हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे बीकॉम क्लास को। सर 21 डेज की सीरीज है, डे 10 पे पहुंचे हैं। 21 डेज सीरीज बिजनेस इकोनॉमिक्स सीएफओआई बीकॉम सिम 2, आपका जो प्लेलिस्ट इस साल का है 21 डेज सीरीज इकोनॉमिक्स सीएफओआई बीकॉम सिम 2 के नाम से बना दिया हूं। वहां पे जाके आप डे वाइज फॉलो कर लेना। 21 डेज के बाद जितने भी कॉलेजेस के पेपर मेरे पास आए हैं, जो स्टूडेंट ने शेयर किए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर जो भी आपका पेपर सेटअप था, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दिखा दूंगा सर, क्या क्वेश्चंस बने थे एंड 21 डेज में सर हमने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। पहली इन्फॉर्मेशन उन बच्चों का जिनका एग्जाम जल्द होने वाले हैं, मतलब 1 से 2 से 3 दिन के अंदर होने वाले हैं, मंडे के बाद से जिनका होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है सर, उनके लिए काफी लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर दूंगा। बट जिनका इस सैटरडे से पहले है तो उनको मेरा सजेशन है, आप लोग जहां तक लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहा है वहां तक फॉलो करना, बाकी प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे वहां से आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल। और जो बच्चा एंडिंग डेज पे एंडिंग टाइम पे देखिएगा तो डेज 15 तक का इस सीरीज आपको फॉलो करना है। 15 तक का करोगे तो इजिली एवरेज मार्क्स, केटी की बात नहीं करो, एवरेज मार्क्स लेके आओगे आप इकोनॉमिक्स में। 21 डेज की सीरीज जो बच्चा फॉलो करेगा तो 100% कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएंगे, मतलब 100% पेपर आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो चलिए बात करेंगे डे 10 में लेके आए सर, आपका कैपिटल बस्टिंग अभी चल रहा है, कैपिटल बस्टिंग पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारा 20 मार्क्स क्लियर हो जाए, मतलब 15 का लॉन्ग प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स हमारा क्लियर होना चाहिए सर। और क्वेश्चन आज का है सर सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। इसके पहले हम लोग ने पेबैक पीरियड प्रैक्टिकल किया, एनपीबी प्रैक्टिकल किया, स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग, जहां पे हमने बहुत अच्छे से समझा कि सर कैपिटल बस्टिंग की मीनिंग क्या होती है। मीनिंग पार्ट आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कैपिटल बस्टिंग मतलब होता है सर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब असेट्स परचेज करने जा रहे हैं, वो भी फिक्स असेट हमारे, ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो उस कैपिटल का बजटिंग, कैपिटल कितने बजट का है सर, कैपिटल बजटिंग इज ए प्रोसेस, ये वर्ड आना चाहिए सर, ये एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म नहीं सर, यहां पे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो हमारा किसमें आ जाता है सर, वर्किंग कैपिटल में आता है। डिसीजन है आपका ये इन लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है और लॉन्ग टर्म सर असेट परचेज करोगे तभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। सपोज जैसे एग्जांपल मैंने बताया था, कोई भी फिक्स असेट परचेज कर लो, जैसे फिक्स असेट मतलब सर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, मोटर व्हीकल हो गए, इस तरीके से कुछ असेट्स आप परचेज करने की सोच रहे हो। कैपिटल बस्टिंग जब प्रोसेस देखो, जब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू किया, पेबैक पीरियड किया, तो ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट और इजी समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल पहले करा दिया था आपको। कैपिटल बस्टिंग जब प्रोसेस फिर से बढ़ाया सर, प्रोसेस है जहां पे पहले तो प्लान करते हैं सर, प्लान करते हैं कितना कॉस्ट है हमारा, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद सर एनालिसिस किया जाता है, फिर इवैल्यूएट किया जाता है, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो देखना पड़ता है ना कहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है सर, कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है, एंड फ्यूचर में कौन कौन से एक्सपेंड नेचर उस असेट को लेकर आने वाले हैं या फिर हो सकते हैं, प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको एंड सेलेक्ट करना पड़ेगा सर जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। अगर मेरे पास 3 से 4 प्रोजेक्ट है सर तो पहले प्लान करूंगा कि सर कितना मेरा कॉस्ट है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं, कौन कौन से जो भी अल्टरनेटिव है कहां पे कर सकता हूं, और फिर देखेंगे सर हर एक प्रोजेक्ट को लेकर कितना उनका कैश इनफ्लो हो रहा है, मतलब कितना पैसा मुझे उनसे रिटर्न मिलेगा, क्या रिस्क है, रिस्क भी है, रिस्क भी देखना पड़ता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो सर हमारा हर मंथ का हर ईयर का फिक्स हो सकता है कि उसमें भी चेंजेस होंगे, या फ्यूचर में उस एसेट को लेके कोई खर्चे तो नहीं हो सकते, या खर्चे होंगे सर तो कितना खर्चा हो सकता है, ये सब चीजें प्रॉपर सर करना पड़ता है, मतलब पहले प्लान करो, एनालिसिस करो, इवैल्यूएट करो, उसके बाद सेलेक्ट करो सर मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो होगा आपका वो। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा सर कंपनी के पास, हमारे पास सर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस में हमको सर सेलेक्ट करना है जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हमको दिखता है, विल हैव टू सेलेक्ट द गिवन सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे देखो ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो कि प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में होने वाला है, देखो मेरे पास 2 ऑप्शन यहां पे दिख रहा था, एक तो ऑफलाइन कोचिंग सर सेटअप कर लूं या फिर ऑनलाइन कोचिंग सेटअप कर लूं, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो सर देखना पड़ेगा, वैसे ये प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट एग्जांपल समझना पड़ेगा सर कि मैं इन्वेस्ट कहां करूं। ऑफलाइन कोचिंग में करूंगा तो सर हमारा रिटर्न तुरंत चालू हो जाएगा, मतलब पैसे हर मंथ में फीस आने लगती है बच्चों से, बट सर ऑनलाइन में करूंगा तो यहां थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जैसे यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स में प्रोवाइड कराता हूं सर, तो यहां पे यूट्यूब पे हर एक बच्चे को पता है कि
अच्छे सब्सक्राइबर अच्छे व्यूज आने पे अच्छा पैसा मिलता है। मतलब यहाँ पे सर आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, प्लस रिस्क भी है कि आपका चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, व्यूज अच्छे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बट ऑफलाइन में भी वो चीज देखना पड़ता है सर, आप क्वालिटी कैसे दे रहे हो, तो क्वालिटी के बेस पे बच्चे कनेक्ट होते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप, एक एग्जांपल आपको सेटअप कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि मतलब इस तरीके से देखने पड़ते हैं, हर एक चीज आपको देखना पड़ता है, उसके बाद आपको डिसीजन करना है। क्योंकि सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, जो मतलब पैसा इन्वेस्ट करने का छोटा अमाउंट नहीं है सर, बड़े अमाउंट है, बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हो। इसका मतलब है सर हमारे पास पैसे तो लिमिट है भाई, पैसे तो हमारे पास लिमिट ही होते हैं, तो देखना पड़ता है सर उस उतने पैसों में बेस्ट हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, वो देखना पड़ेगा। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग आपने दो पढ़ लिया है, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, एक तो पेबैक पीरियड, सेकंड सर हमने एलपीबी पढ़ा है। इनेबल अस टू इवैल्यूएट एंड चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट, वो लोग बताते हैं कौन से सर, तीन टेक्निक्स हमने पढ़ा है, तीन में से दो अभी तक पढ़ा है, IRR अभी बाकी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रैक्टिस अभी हमने नहीं किया, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट कम थे, प्लस वो हार्ड लेवल का ही पढ़ता है क्योंकि सर उसमें प्रैक्टिकल नहीं, सीधा आपको थ्योरेटिकल पार्ट पैराग्राफ में लिखना है, इसके लिए उसको नहीं करा। बट आप दो किए हो तो उससे एक आइडिया आपको चल जाता है सर, वहां पे दोनों मेथड से हम जज करते हैं अगर हमारे पास दो से तीन अल्टरनेटिव्स हैं तो उसको सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर्स में देख लिया है, समझ लिया है। इसीलिए कैपिटल बस्टिंग को और भी कुछ नाम से बोला जाता है सर, एक तो फिक्स एसेट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, याद रख लेना, सेकंड सर हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, थर्ड हमारा सर प्रोजेक्ट अप्रेजल। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां तक सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर देखो मीनिंग पे बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गया, रटा नहीं है सर, समझा है, तो आपको ये सिग्निफिकेंस के पॉइंट आपको काफी आसान लगने वाले हैं, काफी इजी लगने वाले हैं। चलिए पॉइंट्स को थोड़ा सा जल्दी से रिपीट करते हैं, मींस स्टार्ट करते हैं सर। प्रॉफिट की बात होगी ना, क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे सर, अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करोगे, तो पहला तो देखोगे सर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट किस लेवल का होगा सर, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म होगा मतलब ज्यादा प्रॉफिट होने वाले है, कम प्रॉफिट होने वाले, कितना प्रॉफिट होने वाला है, ये पहले आप इवैल्यूएट करोगे। और हर कोई बिजनेसमैन अगर कैपिटल बस्टिंग की सोच रहा है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है सर, तो पहले प्रॉफिट ही देखता है, प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। क्लियर है, बिल्कुल सर। इफेक्ट ऑन दी अदर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। आपका जब बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, देखो ना आप सिंपल से आप समझो, एक एग्जांपल, जब आपके घर में कोई भी मोटर व्हीकल परचेज होती है, कोई भी सर हमने फ्लैट लिया, कोई भी हमने सर घर लिया ना, तो अदर जो हमारे काम होते हैं उसको सर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, अदर खर्चों को सर थोड़ा सा बचाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। सेम वही काम आपका बोल रहे ना भाई, आपके अदर प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा सर, क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है सर हमारे किसी भी असेट्स को परचेज करने में, तो अदर प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ने वाला है। जैसा कि प्रैक्टिकल आप देखोगे हमारे घर में ऐसा होता है कि कहीं अगर हमारी फैमिली ने प्लान किया सर कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट का, तो कुछ जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कुछ जो छोटी मोटी चीजें होती है, उस पर इम्पैक्ट उसका पड़ता है, बिल्कुल। चलिए सर नोट्स एक बार रीड आउट करोगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको वही समझा रहा हूं जो मैंने नोट्स में रेडी रखा है। हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो सर हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे हमारे पास दो से तीन, देखा ना एक प्रैक्टिकल आप समझो, प्रैक्टिकल आप समझो कि जब आप कहीं भी फ्लैट लेते हो किसी भी एरिया में, मुंबई के फ्लैट लेते हो, तो हर एक चीज एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो सर, बिल्कुल करते हैं। जैसे जैसे सर कि वहां से रेलवे स्टेशन हमारा कितना दूर है, वहां से सर हमारे अगर इनके बच्चे हैं तो सर कहां मतलब स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, अदर फैसिलिटी क्या है भाई, वहां का एरिया कैसा, मतलब हर एक चीज देखते हो कि नहीं देखते हो सर, बिल्कुल देखते हैं। तो ये आप प्रॉफिट से थोड़ा सा मतलब असेट से लिंक करो, तो जब हम लोग सर असेट्स देखते हैं तो दो से तीन अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप मुंबई कहीं भी फ्लैट लेने जाते हैं तो सर बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमको हर एक चीज देखना पड़ता है। पहला ऑप्शन तो आता है सर कॉस्ट, कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप एरिया देखते हो, उसके बाद सर अदर फैसिलिटीज देखते हो, जैसा मैंने आपको बताया। तो सेम यहां पे भी दो से तीन जब आपके पास डिसीजन है सर, तो आप अलग अलग मेथड से, जैसे एनपीवी से जा सकते हो, पेबैक पीरियड से जा सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से जा सकते हो, मतलब किसी भी टेक्निक से सर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पहले प्लान, जो आपका यहां पॉइंट है सर, प्लान एनालिसिस इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद जो सर हमको जब सबसे बेस्ट लगेगा वहां से उस चीजों को क्या कर लिया जाएगा सर, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे टेक्निक्स क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा सर नेशनल इंपॉर्टेंस आएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कॉमन सी बात है, अगर कहीं एग्जांपल आप समझो किसी भी फैक्ट्री में कोई भी आपने प्लांट एंड मशीन लगाया, तो इससे क्या होगा सर, आपका प्रॉफिट तो होने वाला ही, आप लोगों को काम भी दोगे,
जिससे लोगों को कुछ काम मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करोगे, मतलब काफी देखो नेशनल मींस नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। रीड आउट कर लेना, नोट्स में दिया गया सर। एक्सपेंडिचर कंट्रोल जो मैंने अभी बताया था कि हमको ये भी देखना सर जो हमारे फ्यूचर में आने वाले खर्चे हैं उस पर्टिकुलर असेट को लेके, तो उसको कंट्रोल करना है। पता चला ऐसा नहीं कि सर प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है बट हमारे एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? जैसे देखो ना मोटर टैक्सी का केस देखो आप, प्रॉफिट तो सर अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है बट उसमें सर कुछ ना कुछ खर्चे हमेशा रहते ही हैं, तो उसको आपको कंट्रोल थोड़ा सा रखना है कि एक्सपेंडिचर हमारे सर कंट्रोल होंगे तभी तो प्रॉफिट हमको अच्छा होगा। अदरवाइज आपका जो भी इनकम आया होगा उसी में तो एक्सपेंडिचर माइनस करोगे आप। आपका इनकम आया सर 5,000, अब उसमें से हर मंथ का सर 2,000 से 3,000 अगर मेरा एक्सपेंडिचर ही होगा सर तो प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट, आप इसको रिवर्स थोड़ी कर सकते हो। रिवर्स मतलब सर ऐसा टैक्सी आपने परचेज कर लिया, फ्लैट आपने ले लिया, तो इसको रिवर्स करना देखो पॉसिबल है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है पॉसिबल ही नहीं है, बट उसमें आपका लॉस होगा क्योंकि आपको ही पता अगर कोई असेट सर हमने परचेज कर लिया है उसको किसी को बेचना तो सर सीधा हाफ प्राइस 60% 70% 80% में सर सेल होता है। मतलब सीधा डायरेक्टली आपको अगर आपका कोई गलत डिसीजन है तो सीधा सर 20-30-40-50% तक का लॉस हमको हो जाएगा। मतलब इसीलिए ये जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है, हर एक चीजों को प्रॉपर एनालिसिस करके इवेल्युएट करने के बाद ही लिया जाता है, अदरवाइज नहीं तो गलत डिसीजन आपको बहुत बड़े लॉस में लेके चले जाएगा। क्लियर सर? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है ना भाई, आपका डिसीजन कौन से नेचर का है सर? क्रूशियल नेचर का है। मतलब एक गलत डिसीजन बहुत बड़े लॉस की तरफ शिफ्ट करा देगा, एक अच्छा डिसीजन, हमने अच्छा डिसीजन ले लिया सर तो बहुत बड़े प्रॉफिट की तरफ हमको लेके चले जाएगा। इसीलिए डिसीजन हमारे कौन से नेचर के हैं सर? क्रूशियल डिसीजन है। मतलब दोनों डिसीजन बैड हो सकते हैं, अच्छा डिसीजन भी हो सकता है सर, बेकार सा डिसीजन भी हो सकता है। अच्छा डिसीजन हुआ तो सर प्रॉफिट हमको अच्छा देखने मिल जाएगा, अगर बेकार डिसीजन हुआ तो सर लेके डूब जाएगा हमें, मतलब काफी लॉस देखना पड़ेगा सर। इन्फॉर्मेशन फ्लो की रखना पड़ेगा, कैश इनफ्लो। आपने दो मेथड किया तो वहां आपको समझा होगा, कैश इनफ्लो मतलब जैसे आपने कोई भी चीज परचेज कर लिया तो उसके बाद आपको ये भी तो देखना है भाई हर मंथ में या फिर ईयर में वो कितना सर मुझे रिटर्न करेगा पैसा, उस असेट से मैं कितना कमाने वाला हूं, वो भी देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सर, बहुत सारे लोग होते हैं भाई पहले से कर लेते सर, अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया सर तो यहां से कितना रिटर्न होने वाला है, तो आदमी को एक आइडिया हो जाता है, पर्सन को एक आइडिया हो जाता है सर कितने टाइम में रिटर्न मेरा पैसा हो जाएगा, उसके बाद जो मिला वो प्रॉफिट हो गया। लोग ऐसे ही काउंट करते ना, अगर डिस्काउंटेड मींस पेबैक की बात करूं तो एनपीवी के हिसाब से तो कोई काउंट करता नहीं, बट पेबैक के हिसाब से ही देखते सर कि 2 साल में पैसा रिटर्न, इसका मतलब आगे जो मिलने वाला है सर वो हमारा प्रॉफिट का ही केस है। तो यहां पे ये है कि आपको फ्लो का इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा सर कि कितना पर मंथ या फिर ईयर में हमको पैसा रिटर्न होने वाला है। अब यहां पे ध्यान रखना हमको अपना प्रॉफिट को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रॉफिट को इंप्रूव कैसे कर सकते हो? पहला एक पॉइंट तो यही कि अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5,000 का आपको अगर इनकम मिल रहा है वहां से, तो आप अगर अपने खर्चे को थोड़े से कंट्रोल में रख दोगे, एक्सपेंडिचर को सर कंट्रोल रखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। और अगर आपने सही डिसीजन लिया है तो यहाँ पे आपकी कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट आपकी कंपनी का इंप्रूवमेंट होगा सही डिसीजन पे। लास्ट है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी चीज देखना पड़ेगा सर कि उस फैक्टर में, उस प्रोजेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या रिस्क है हमारे, और जो हमारा कैश इनफ्लो था उसमें कहीं अनसर्टेनिटी तो नहीं है। मतलब सर जैसे एग्जांपल का आपको, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो सर ऐसा तो नहीं हो रहा पहले मंथ या पहले ईयर में आपको 1 लाख मिला तो दूसरे ईयर में ऐसा तो नहीं हो रहा सर 50,000 मिल रहे, 40,000 मिल रहे, मतलब क्योंकि हम तो ये सोच के चलते हैं ना कि हर ईयर या फिर हर मंथ का सर इतना मिले एप्रोक्स आप एक आइडिया लगा लेते हैं सर इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, बट ऐसा तो नहीं है कि कहीं अनिश्चित है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चित, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर चेंज होते रहेगा, फिर पहला 1 से 2 साल में अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा बाद में सर सीधा डाउन हो जाएगा। ये सब भी चीजें हमको क्या करनी पड़ेंगी सर, एनालिसिस करनी पड़ती है जब आप कोई भी कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म असेट्स में। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अगर शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा तो 5 पॉइंट्स लिखना है, मीनिंग डिफाइन के साथ में 5 पॉइंट्स लिखना है, मैक्सिमम सिक्स पॉइंट, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। एंड अगर सर लॉन्ग में पूछा तो 8 पॉइंट्स लिखना है, 7 to 8, कितना 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है। मैंने पॉइंट ज्यादा लिखा है, जो आपको नोट्स में इजी लग रहा होगा वो आप प्रिफर कर लेना।
क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन आज के लेक्चर को लेके हुआ है तो कमेंट में जल्दी से ऐड कर देना। और आई होप हर एक बच्चा जो स्टार्टिंग से कैपिटल बच्चे का कॉन्सेप्ट करते हुए आया है तो उनको यहाँ पे ऑलरेडी काफी इजी चीजें मिली होंगी, पॉइंट्स देख के समझ में आ जा रहा है सर कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे सर नेक्स्ट डे के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे FI BCOM बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।